नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ ऋचा सिंह। खुशियों का प्रतीक दिवाली का त्योहार देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सनातन धर्म में ये पर्व लगातार 5 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। छोटी दिवाली बड़ी दिवाली से ठीक एक दिन पहले मनाई जाती है। इस बार छोटी दिवाली का त्योहार 30 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को छोटी दिवाली मनाई जाती है। इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस रात एक दीपक मृत्यु के देवता यम के लिए जलाने का विधान है। अब सवाल ये है कि आखिर इस बार कब है छोटी दिवाली? नरक चतुर्दशी पर यम का दीपक क्यों जलाया जाता है? कैसे जलाएं यम का दीपक? आइए इस बारे में आपको बताते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। नरक चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त। इस साल छोटी दीपावली का त्योहार 30 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। नरक चतुर्दशी की शुरुआत 30 अक्टूबर को दोपहर 1:16 से शुरू हो जाएगी। इसका समापन अगले दिन 31 अक्टूबर को दोपहर में 3:53 पर होगा। यम का दीपक 30 अक्टूबर को ही जलाना शुभ रहेगा। नरक चतुर्दशी को सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में यम का दीपक जलाना चाहिए। अब आपको बता दें कि यम का दीपक क्यों जलाया जाता है। दरअसल दिवाली की एक रात पहले यम का दीपक जलाया जाता है। ये दीपक मृत्यु के देवता यमराज के लिए जलाया जाता है। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के दिन यम का दीपक जलाने से परिवार में अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। साथ ही प्रार्थना की जाती है कि यम देव नरक के द्वार बंद कर दें और हमें सेहतमंद रखें। ऐसा करने वाले जातकों पर यम की कृपा होती है। कैसा होना चाहिए यम का दीपक? यम का दीपक जलाने के लिए एक चौमुखी दीपक या कोई सामान्य दीपक लें। इसमें 4 बत्तियां इस प्रकार लगाएं जो चारों दिशाओं को इंगित करती हों। इसके बाद दीपक में सरसों का तेल भर लें। फिर इस दीपक को जलाने के बाद पूरे घर में घुमा दें। घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में रख दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छोटी दिवाली के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का संहार किया था, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इसलिए इस दिन लोग राक्षस पर भगवान कृष्ण की जीत का जश्न मनाते हैं, घरों की साफ सफाई करते हैं और इसे फूलों या लाइटों से सजाते हैं। इस दिन बुराई के अंधेरे को दूर करने और सकारात्मकता का स्वागत करने के लिए दीपक जलाए जाते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।